आदरी से आने वाली सड़कें बंद पड़ी थी, रोडवेज ने बसें बंद कर दी थी और सड़कों पे लिखा था कि मौत की सड़क, खूनी सड़कें। तो आप आज देखा भी होगा आपने वो जो अमेरिका जैसी सड़कें आप मेंदरड़ में है, तो इससे बड़ा हमें चाहिए भी क्या? 400 पार पक्की बात है, पक्की। मोदी जी को कोई हरा ही नहीं सकता, हरा ही नहीं सकता। 400 एक टांग पकड़े मोदी जी के साथ है और चौधरी धर्मवीर के साथ है। अब जी कुवैत में फंसे 9 भारतीयों को जिन्होंने फांसी की सजा हो गई थी, नरेंद्र मोदी से कुशल देश को ले आए ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आओगे। नहरी पानी की जो समस्या थी, नहरों के पुनरुद्धार की समस्या थी, कनेक्टिविटी की, सड़कों की समस्या थी, उसको धर्मवीर जी ने संसद में उठाया। चाहे रेलवे स्टेशन की बात है, जो एक सांसद को करने चाहिए थे उससे कई ज्यादा काम चौधरी धर्मवीर जी ने किए हैं। हम किसी पार्टी को ना करके हम व्यक्तित्व का, हम देश के विकास के लिए वोट कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के लिए वोट नहीं कर रहे, हमें देश को आगे बढ़ाना है। उस देश को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा वोट इस बार मोदी जी को जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। जैसा आपको पता है आज चौधरी धर्मवीर जो भाजपा पार्टी से उम्मीदवार हैं लोकसभा महेंद्रगढ़ भिवानी से, उनकी आज यहां पर नामांकन रैली का कार्यक्रम किया गया और पूरे लोकसभा क्षेत्र से बहुत से लोग यहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि बाहर अगर 2 किलोमीटर की बात करें तो गाड़ियों के पास रास्ता नहीं है और पैदल निकलने तक का रास्ता नहीं है। भारी भीड़ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, बहुत से लोग यहां आए हुए हैं। आप देखा जाए एक बार इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है बीजेपी का और क्या माहौल है चौधरी धर्मवीर का और क्या माहौल है नरेंद्र मोदी जी का। जी भाऊ जी नमस्कार, धन्यवाद प्रदीप जी आपका बहुत बहुत। आज जो आपने भीड़ देखी है, एक भी गाड़ी धर्मवीर जी ने अपने पैसे से नहीं मंगवाई। अच्छा। लोगों ने सारी गाड़ियां अपने खुद के पैसे से, एक जुनून से, लोगों का एक जुनून है कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और एक सादगी का प्रतीक आम जन से मिलने वाला हमारा सांसद चौधरी धर्मवीर जी जैसा हो। लोगों का ये भी कहना है कि सांसद साहब लोगों के बीच नहीं जाते थे इसलिए लोग नाराज भी हैं। 1250 गांवों का लोकसभा का क्षेत्र है, चौधरी धर्मवीर जी जितना तो गांव में कोई गया भी नहीं। हमारी जो मूल समस्याएं थी, नहरी पानी की जो समस्या थी, नहरों के पुनरुद्धार की समस्या थी, कनेक्टिविटी की, सड़कों की समस्या थी, उसको धर्मवीर जी ने संसद में उठाया। चाहे रेलवे स्टेशन की बात है, जो एक सांसद को करने चाहिए थे उससे कई ज़्यादा काम चौधरी धर्मवीर जी ने किए हैं। हम किसी पार्टी को ना करके हम व्यक्तित्व का, हम देश के विकास के लिए वोट कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के लिए वोट नहीं कर रहे, हमें देश को आगे बढ़ाना है। उस देश को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा वोट इस बार मोदी जी को जाएगा। लगभग कितने वोटों से भाजपा धर्मवीर जी जीत सकती है? पिछली बार 4,44,000 रुपए से वोटों से जीते थे, इस बार 6 लाख प्लस का रहेगा। आप आने वाले एक सप्ताह में देखिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक क्षेत्र में, एक विधानसभा में संकुचित हो जाएंगी, उन्हें कहीं कोई वो नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ के लोग दिल से जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोग मन से वोट दे रहे हैं, जो कोई दबाव में नहीं दे रहे हैं। देश बचाने का चुनाव है, देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है और ये धर्मवीर जी की सादगी इसको दुगुना कर रही है। कह रहे कि भाई यहाँ से नेता है, विधायक 4 बन रहे हैं, रावदान सिंह को टिकट दिए एक तरफ, राव बहादुर सिंह है तो क्या रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये देश का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव ही है, ये गांव के सरपंच का चुनाव नहीं है। लोग देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, हमारी कनेक्टिविटी, हमारे रेल की, हमारी हवाई, जो भी उद्योग धंधों की, उसको करने के लिए जो महेंद्रगढ़ को बीजेपी ने दिया है, जो भिवानी को बीजेपी ने दिया है, बड़े लेवल पे जो समस्याएं थी वो सारी खत्म कर दी। निश्चित तौर पे आपने सड़कों का हाल देखा होगा, दादरी से आने वाली सड़कें बंद पड़ी थी, रोडवेज ने बसें बंद कर दी थी और सड़कों पे लिखा था कि मौत की सड़क, खूनी सड़कें। तो आप आज देखा भी होगा आपने वो जो अमेरिका जैसी सड़कें आप मेंदरड़ में है, तो इससे बड़ा हमें चाहिए भी क्या? हम स्वार्थ की के लिए वोट नहीं कर रहे, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट कर रहे। आपकी टीम है? सभी लोग इलाके के लोग हैं, ये मोदी जी की टीम है। मैं नारनौल से हूँ, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया एक्सटेंशन वेलफेयर सोसाइटी। भाई देख ऐसा है, चौधरी धर्मवीर यारों के यार, और मैं कह रहा हूँ कि चौधरी साहब की जो, जैसे अपने प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के जो बोल रहे थे कि चौधरी साहब की जो सादगी और फोन उठाने की, करने का मतलब रात को आप फोन करो, रात को ही उठाएगा, यदि बिजी है तो कॉल वापस आएगा। मेरी बात समझे? अरे भाई जुड़ा हुआ है नीचे ग्राउंड में। और मैं कह रहा हूँ जो मोदी जी ने 15 सितंबर 2013 को जो रैली कही थी ओआरओपी के रिगार्डिंग,
सारी फौजियों की और सारे फौजी बिल्कुल साथ हैं, एक टांग पे खड़े हैं, मोदी जी के साथ हैं और चौधरी धर्मवीर के साथ हैं। अब जी कुवैत में फंसे 9 भारतीयों को जिन्होंने फांसी की सजा हो गई थी, नरेंद्र मोदी से कुशल देश को लाए, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री कहोगे चौधरी धर्मवीर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर सिंह जिंदाबाद। यहाँ पे नारे लग रहे हैं जिंदाबाद के और बहुत भारी भीड़ की अगर बात करें यहाँ पे आज पहुंची है, अभी और बहुत से लोग यहाँ आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, तब तक आप बने रहें। जी अभी भारतीय सैनी जी हमारे साथ हैं, पूरा कार्यक्रम देखा, लाजवाब इनका भाषण रहा, इनसे बातचीत करते हैं। नारनौल में क्या रहने वाला? जी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या रहा आज का कार्यक्रम, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आप सब कार्यक्रम के बीच में ही थे, आपने भी देखा है, बड़ा कार्यकर्ताओं में जोश था। आज धर्मवीर जी ने हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी बीजेपी की, उन्होंने अपना नामांकन भरा है आज। नारनौल में किस प्रकार स्थिति है बीजेपी की? नारनौल में बढ़िया है, नारनौल में क्या पूरे हरियाणा में बढ़िया है। जी क्या लगता है नारनौल में कितने वोट प्लस जाएगी बीजेपी? लास्ट टाइम से प्लस जाएंगे और हमारा पूरा महिला मोर्चा बहुत ताकत के साथ लगा हुआ है और उसका रिजल्ट 4 जून को आपको देखने को मिलेगा। कमर कस की लगी हुई, बिल्कुल है। लगी हुई है जी, 400 पार, पक्की बात है, पक्की। मोदी जी को कोई हरा ही नहीं सकता, हरा ही नहीं सकता। 400 पार की बातें चल रही हैं, अब विपक्ष क्या कहता है 400 पार को लेकर, वो वीडियो भी आपने देखी है। अब यहाँ बहुत से व्यक्ति और भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, तब तक आप बने रहें। अभी नारनौल में मौजूद हैं, जैसा आप वीडियो देख पा रहे हैं, और दीवान जी हमारे साथ हैं, एक बड़ा स्तंभ है बीजेपी के, और क्या कुछ पूरे हरियाणा में चल रहा है इन्हें जानकारी है इस चीज की, जानते हैं इनसे। जी नमस्कार जी। जी कौशिक जी नमस्कार, कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया है, आज तो तरोताजा हो गए होगे भीड़ देख के। जी कौशिक जी आपने भीड़ देखा, ये जगह छोटी पड़ गई जी। और जितनी भीड़ यहाँ पंडाल में मौजूद थी और इससे 8 गुना भीड़ ज्यादा बाहर घूम रही थी, और आज इस भीड़ ने ये साबित कर दिया है कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और रिकॉर्ड भी बन सकता है महेंद्रगढ़ भियाणी लोकसभा का। और मेरा ये मानना है इस भीड़ को देखते हुए कि धर्मवीर जी अब के छक्का मारेंगे जी, मौज हो जाएगी मौज। और क्या लगता है अभी दूसरे क्षेत्रों में, अगर बात करें बीजेपी का दूसरे क्षेत्रों में, देखिए नरेंद्र मोदी जी की पूरे देश में लहर है। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच के माध्यम से बता रहे थे, 500 साल तक हमारे भगवान राम तंबू में रहे, मोदी जी ने उनको लाके सही स्थान पर आसन दिया है। और इसी तरह जो मोदी जी की योजनाएं हैं, बड़ी लाजवाब योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाया, गरीब आदमी को अगर कोई इलाज करवाने की जरूरत होती थी तो वो इधर उधर उसको देखना पड़ता था, आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, सीधे हॉस्पिटल जा सकते हैं। इसी तरह आज पेंशन का काम है, जो 60 साल का हो जाता है उसकी पेंशन उसके खाते में पहुंच जाती है, कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ते। जो ऑनलाइन काम मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने किया है वो बड़ा लाजवाब काम है। उसी के आधार पर आज पूरा हरियाणा में 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देंगे। 400 पार हो जाएगी अब की बार, 400 पार बिल्कुल पार है, बिल्कुल पार है अब की बार, तो 400 पार। और महेंद्रगढ़ की टीम बैठी क्या कहेंगे सर? देखिए कौशिक साहब मैं कहूंगा, आज जो नामांकन पर जो संख्या आई थी वो महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले से कार्यकर्ताओं की संख्या थी, और ये ओरिजिनल संख्या थी। कल जो संख्या थी वो एक जो CLU जो उड्डा के टाइम में दी जाती थी उनकी जो एक टीम बनी हुई है वो संख्या थी, और हम निश्चित तौर पे 411 पार करेंगे। असली वोटर बीजेपी के कार्यकर्ता राम भगत, श्री कृष्ण भगत, ये जो चुनाव है ये केवल और केवल राम भगत और राम विरोधी के बीच में लड़ा जा रहा है। जय श्री राम। जय जी, क्या कहोगे जी? कुछ नहीं, वाह जी वाह, कुछ कहना है तो बताओ। तो अभी हम रैली में कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन एक नामांकन ही था, रैली नहीं थी, और इसमें भी भारी भीड़ आई, कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी लगातार तीसरी बार बिल्कुल मौज कर दी, ये जनता का प्यार है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के प्रति।
जो भीड़ के रूप में आपको दिख रहा है, और ये भीड़ नहीं, ये कार्यकर्ता ही हैं। ये तो एक नामांकन का कार्यक्रम था, ये कोई रैली नहीं थी। ये सभी बिल्कुल जमीन से जुड़े हैं, बिल्कुल। ये जो नजदीक की जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे मंडल अध्यक्ष हैं, जिला कार्यकारिणी है, पन्ना प्रमुख है, ये कोई रैली नहीं थी भी, आम सभी लोगों के लिए था, ये नामांकन का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा आप देख पा रहे हैं और भी व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तब तक आप बने रहे। तो जैसा आपने पूरा कार्यक्रम देखा है, स्टेज पे मौजूद थे महामंत्री अमित मिश्रा जी, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसा पूरा कार्यक्रम रहा और आने वाले समय में क्या क्या भाजपा करने वाली है इलेक्शन 25 तारीख के। जी नमस्कार भाई साहब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। कैसे हैं, क्या कुछ रहा आज का कार्यक्रम? आपने देखा जनता में बहुत उत्साह था। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह जी को लेकर तीसरी बार पार्टी ने उनको टिकट दिया है, और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की जनता में एक बहुत उत्साह है। और पिछली बार लगभग 4.5 लाख वोटों से चौधरी धर्मवीर जी चुनाव जीते थे, इस बार 5 लाख से अधिक के मार्जिन से चौधरी धर्मवीर जी केस की बड़ी पंचायत में जाने का काम करेंगे। अहिरवाल से नेता खड़े हैं दो दो एक साथ, जेजेपी से भी, कांग्रेस से भी, जो इंडिया गठबंधन है, तो क्या इफेक्ट वो डाल पाएंगे? इंडिया गठबंधन को देश नकार चुका है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व एक पप्पू कर रहा है, जिसको देश की संस्कृति का नहीं पता, सनातन धर्म का नहीं पता, ऐसा व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है। तो देश की जनता समझदार है, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की जनता तो बहुत समझदार है। हम दक्षिण हरियाणा से आते हैं, आदरणीय रविंद्रजीत सिंह जी, चौधरी धर्मवीर सिंह जी सरीखे नेता, आदरणीय प्रोफेसर रामबिलास शर्मा जैसे सरीखे नेता दक्षिण हरियाणा में हैं, और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम ये बड़े मार्जिन के साथ ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। कहीं कहीं विरोध भी देखने को मिलता है कि नेता आए नहीं बीच में, ये व्यक्ति विशेष के प्रति थोड़ी बहुत नाराजगी किसी प्रकार की हो सकती है। चौधरी धर्मवीर सिंह जी बहुत परिपक्व नेता हैं, उन्होंने पूरे 5 साल क्षेत्र में रहने का काम किया है, लेकिन कहीं एक आध जगह कोई शिकायत है भी तो उसको दूर करने का काम करेंगे। किसी कार्यकर्ता साथी से कोई मनमुटाव है, कोई नाराजगी है तो उसको दूर करने का काम करेंगे। चुनाव पूरा बाकी है, और माननीय मोदी जी के प्रति देश की जनता बड़ा स्नेह करती है, बड़ा सम्मान करती है उनका, और उनके सम्मान के प्रति जिस धारा 370 को बच्चे की तरह 70 साल तक कांग्रेस पालती रही, उस धारा 370 को हटाने का काम मोदी जी ने किया, राम मंदिर के निर्माण का काम किया, कोविड जैसे संकट में देश को उबारने का काम मोदी जी ने किया, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, जनधन के खाते की बात हो, अनेकों इस प्रकार की योजनाएं जिनको लेकर देश की जनता धन्यवाद करना चाहती है चुनाव में आदरणीय मोदी जी का। अभी 20 से 22 दिन है, जनता किस प्रकार से चुनाव को देखे, और जनता कह रही कहीं एक रैली मोदी की हो जाए तो लाजवाब। 10 तारीख के बाद देश के बड़े नेताओं के कार्यक्रम हरियाणा के लोकसभा क्षेत्रों में बनेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आदरणीय मोदी जी की या आदरणीय योगी जी की एक बड़ी सभा महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा को मिलेगी, और उस सभा के बाद वैसे ही वातावरण धर्मवीर जी के पक्ष में है, और उस सभा के बाद शायद चुनाव नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। एक तरफा माहौल आज ही है, चुनाव के उस रैली के बाद बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा। सरपंच दुखी थे आज, सरपंचों का निदान कर दिया। सरपंचों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया, सरपंचों की एक बड़ी मांग थी कि पंचायतों में काम सरपंचों के माध्यम से हो, और आचार संहिता के बाद इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा की पंचायतों में सरपंच अपनी इच्छा से अपने तरीके से काम करा सकेंगे, ऐसा बड़ा निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है, इसका भी बड़ा फायदा लोकसभा चुनाव में हमको मिलने वाला है। इतनी धूप थी, जगह भी छोटी, फिर भी लोग इतनी भारी। मैंने बताया आपको, आदरणीय मोदी जी के प्रति देश की जनता में बड़ा मोदी जी के प्रति सम्मान है, स्नेह है, उसको दर्शाया है जनता ने आज, कि इतनी भीषण गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर में भी बड़ी संख्या में लोग थे। जितने लोग पंडाल में थे उतने लोग बाहर थे, लगभग 1.5 किलोमीटर हमारे नेता पैदल चलकर, नेता भी पैदल आए, पूरा नारनौल जाम था, हमारे नेता 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, और लोग पूरे 1280 गांवों से 36 बिरादरी की सरदारी ने आकर चौधरी धर्मवीर सिंह जी को आशीर्वाद दिया है, और ये संकल्प लिया है कि बड़े मार्जिन के साथ ये चुनाव हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा आपने देखा अभी कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लोग अपने घर पे जाने लगे हुए हैं, एक लाजवाब भारी भीड़ के साथ बताया जा रहा है कि नेता खुद कह रहे थे कि मैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से पैदल आए हैं, क्योंकि निकलने के लिए जगह गाड़ी के लिए नहीं थी। वीडियो को देख के कमेंट करके बताएं कैसा लगा कार्यक्रम, और किधर से आप वीडियो देख रहे हैं, उधर क्या रुझान है, कितने वोटों से कौन व्यक्ति पॉजिटिव है। देखते रहें इंडिया न्यूज 16। नमस्कार, धन्यवाद।